स्वामी जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब की पर जोर फरमाइश पे हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो ये 2022 का सेशन है, इसका नाम है गोल्डन अर्लियर प्रेप NMT क्रैक 220 सेशन। इसके अंदर बेसिकली तो हम चारों सब्जेक्ट के लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे, लेकिन अभी जिस चीज़ पे मेनली हम फोकस कर रहे हैं वो हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक है इंग्लिश और एक है बायो। और इनकी जो मेन वजह है वो ये है, और बायो भी हम सेकंड ईयर से पहले इसलिए ले रहे हैं कि अक्सर जो एकेडमीज आती हैं उनके अंदर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर तो आपकी काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड ईयर पे पहुंचते हैं तो फिर आपकी स्पीड बढ़ जाती है टीचर्स की भी, क्योंकि टाइम कम होता है, उन्होंने सिलेबस कवर करवाना होता है। और उसमें सेकंड ईयर का अगर मैं 100% लूँ तो उसमें से ये होता है तकरीबन 80% तो सिलेबस कवर ही नहीं होता अच्छे तरीके से। तो इसलिए बायो का हम सेकंड ईयर से ले रहे हैं, और इंग्लिश जो है वो तो वैसे भी थोड़ी सी हमारी 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसमें बेसिकली हम ग्रामर को देखेंगे। मेरे पास थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी तो मैंने इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। ये नहीं, हम डेली के तकरीबन कोशिश करेंगे एक एक यूनिट तो कंप्लीट करें। उसमें जो इंग्लिश के लेक्चर होंगे वो हम अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करेंगे, जो कि डॉक्टर रिजवान डांडला के नाम से है, और जो हमारे बायो के लेक्चर होंगे वो हम यूट्यूब पे जो है ना वो अपलोड करेंगे, और आपको लिंक्स भी दी जाएंगी उसमें। मतलब आपने अगर इंग्लिश का लेक्चर देखना होगा तो आप पेज पे जाएंगे, और अगर आपने बायो का लेक्चर देखना होगा तो आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। और जो टाइमिंग होगी डेली की वो 9 बजे जो है हम लेक्चर अपलोड करेंगे, यानी पेज पे भी 9 बजे लेक्चर अपलोड होगा और यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। अगेन ख्याल रहे, जो इंग्लिश का लेक्चर होगा वो पेज पे अपलोड होगा फेसबुक पे, और जो बायो का लेक्चर होगा वो यूट्यूब पे होगा। उसकी एक वजह ये भी है कि यूट्यूब पे हम जो लेक्चर अपलोड करेंगे वो थोड़ा सा लेंथी भी होगा, क्योंकि बायो थोड़ी सी लेंथी है, तो हो सकता है ये लेक्चर 30 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, लेकिन जो हमारा इंग्लिश का लेक्चर होगा वो मैक्सिमम 15 मिनट का होगा या 10 मिनट का होगा। और हाँ, इसके अंदर कुछ हम सीरीज़ बनाएंगे। सीरीज़ इसलिए भी बनानी पड़ेगी क्योंकि देखना, अब अगर मिसाल मैं इसका न्यूरॉन वाला यूनिट स्टार्ट करता हूँ तो काफ़ी लेंथी यूनिट है नर्वस सिस्टम वाला, तो उसके हिसाब से तकरीबन 5-6 यानी वीडियोस बनेंगी 20-20, 25-25 मिनट की। तो 9 बजे जनाब ये लेक्चर हमारा अपलोड होगा। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगी यहाँ पे। आप व्हाट्सअप सपोर्ट पे यानी जो आप लेक्चर लेंगे उस दौरान अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल आता है कि इसके अंदर हम कौन सा सिलेबस फॉलो करेंगे, तो जनाब अभी तो हम इसी जो PMC का एग्जिस्ट सिलेबस करता है, PMC और NAMS दोनों का, क्योंकि PMC और NAMS दोनों का 2021 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, इसके अंदर भी थोड़ी बहुत ही चेंजेस हैं, तो लिहाजा हम दोनों को जो है ना वो कवर करेंगे। इसमें जो एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए यानी तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि जो मैं लेक्चर यहाँ पर डिलीवर करूँगा वो सिर्फ पंजाब से नहीं होगा, बल्कि जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे पूरे यानी इस पाकिस्तान के, वो तमाम बोर्ड्स को मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कवर करूँगा। और जो मेरी यानी काविश होगी यहाँ पे वो ये होगी, उनमें से मिसाल के तौर पर मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे रिसेप्टर का, न्यूरॉन का, एसेप्टर का, इफेक्टर का, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं या जो कंसेप्ट है, और कंसेप्ट में भी जो मेन चीज़ है वो पंजाब के अंदर है, क्योंकि पंजाब के अंदर इतनी डिटेल नहीं दी हुई, बच्चों को तो जो बुक की लाइन्स हैं वो ही समझ नहीं आती। तो मैं कोशिश करूंगा मैं रीडिंग में इतना ना जाऊं, या आप जैसे यानी रिसेप्टर का टॉपिक है तो वो नीचे नोसी रिसेप्टर मैकेनो फलाना फलाना, तो वो उनको मैं वहाँ पे टाइम ज़ाया ना करूँ। जो वहाँ पे टेक्निकल बातें हैं या जो समझने वाली बातें हैं या FSC या एंट्री टेस्ट के लेवल पे बच्चों को समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, उनको समझाऊँगा, और वो ना सिर्फ पंजाब बोर्ड के, बाकी बोर्ड्स के भी जितने इस तरह से हैं कुछ क्यूरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ, या जो मशहूर ज़माना क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा हर टॉपिक के अंदर, यानी मिसाल के तौर पर आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक पढ़ा है, तो उसके जो प्रीवियस MCQs हैं, चाहे वो इससे पहले आए थे या ये जो 2021 के अंदर PMC के सिलेबस में अगर तो आए हैं, है तो वैसे शाज़ो नादर के इसमें इंक्लूड हुए हैं क्योंकि बड़े रैंडम MCQs थे, तो लेकिन फिर भी अगर कोई मेरी नज़र से गुजरा तो वो भी मैं इसके अंदर जो है ना वो कवर करूँगा। और ये तमाम के तमाम कंप्लीट, यानी जो हमारा सिलेबस है, पहले हम इंग्लिश और बायो को कंप्लीट करेंगे, फिर हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तरफ आएंगे। तो हमारा ये जो ग्रुप है, ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, जो व्हाट्सअप का है यानी उसमें भी
उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश के हवाले से कोई मसला है तो आप फेसबुक पेज पे नीचे कमेंट करें मुझे, या मुझे डीएम करें, तो मैं आपको वहाँ पे भी बताऊँगा। और जो आपके क्वेश्चन होंगे, मैं कोशिश ये भी करूँगा कि नेक्स्ट डे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर पहले समझा दूँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट में, उसमें कुछ नहीं जाता। और बाकी आपने ये यूट्यूब वाला ये जो चैनल है, तकरीबन दोनों सेम नाम से, मेरे जो है ना फेसबुक पेज भी है, चैनल भी है, तो लेकिन इनको पिन ज़रूर कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट जो वीडियोस हैं या जो लेक्चर हैं वो मिलते रहें। सबका अल्लाह हाफिज़।